तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आज हम फिर लमसम के मैटर पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये सवाल है अजीत कुमार जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि मेरे पास 3.5 लाख रुपये है जिसे मैं लमसम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब कब कैसे लमसम करना है वो मुझे बताइए, साथ में कुछ फ़ंड भी बताइए। तो कब कैसे लमसम करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी में कुछ मेरे पसंदीदा फ़ंड हैं। ये रिकमेंडेड नहीं होंगे लेकिन मुझे ये अच्छे लगते हैं, तो आपको भी अच्छे लगने चाहिए। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी पैसे, यहाँ पर सवाल में तो 3.5 लाख रुपये कहा गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो। तो पैसे जो भी हो, पैसे से मतलब नहीं है, अमाउंट से मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास जो भी पैसे है, जो भी आपके कैपिटल है, उसे आपको मार्केट के एक ही लेवल पर निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि SIP आप कभी भी मार्केट के किसी भी लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लमसम करते हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे ही यहाँ पर भी आपको इंतज़ार करना चाहिए। जो भी आपके कैपिटल हैं, 4 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, वहाँ पर आप इंतज़ार करिए। अब इसको मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आपको डिवाइड करना है, हर महीने में बराबर बराबर आपको निवेश करना है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखिए, मार्केट में जब जब गिरावट हो रही है, गिरावट अगर बहुत ज़्यादा की हो रही है तो वहाँ पर ज़्यादा निवेश कर दीजिए, उस महीने में ज़्यादा निवेश करिए, उस महीने में ज़्यादा पैसे लगाइए। अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो कम के हिसाब से ही कम निवेश करिए। या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 महीने 4 महीने के लिए आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 लाख रुपये है तो भाई हम 1-1 लाख रुपये करके हर महीने में निवेश करेंगे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि भाई 5 महीने 4 महीने 6 महीने तो सिर्फ पैसे डिवाइड करके निवेश करने में लग जाएंगे, फिर हमारे रिटर्न कैसे बनेंगे। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, देखिए लमसम है, जितनी समझदारी के साथ आप करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप रहेंगे, इस बात को आप याद रखिए। आप करने को मार्केट के एक लेवल पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करना मुझे नहीं लगता है कि सही रहेगा। जबकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही लंबे समय के लिए, जैसे 7 साल 8 साल 10 साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो मैनेज हो जाता है, वो आपको पता नहीं चलेगा उतने दिनों के बाद। लेकिन फिर भी मार्केट के अच्छे लेवल का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरी बात आती है कि किस कैटेगरी में, किस तरह के फंड में आपको कितने पैसे लगाना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके बाद फ्लेक्सी कैप, डेट फंड वगैरह वगैरह जो भी होती है, वहाँ पर कितने कितने पैसे किस हिसाब से आपको एलोकेशन करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आप इन्वेस्टर्स के जो टाइप होते हैं उसको समझिए। मुझे लगता है कि इसको आप समझ जाएंगे ना तो ईजी हो जाएगा। उसके अलावा मुझे लगता है बहुत बड़ा ये फार्मूला है, अगर इसको आप समझ गए तो एलोकेशन का पूरा खेल आप समझ जाएंगे, गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर तीन तरह, म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक हो, तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला वो होते हैं जो बहुत ही हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। क्या बोल रहा हूँ? पहला वो होते हैं जो बहुत ही हाई रिस्क लेते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो बहुत ही लो रिस्क लेते हैं, और तीसरा वो होते हैं जो मीडियम टाइप के होते हैं, जो बीच के होते हैं, ना ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और ना ज़्यादा वो लो रिस्क लेना पसंद करते हैं, ना ज़्यादा हाई में जाना पसंद करते हैं, ना ज़्यादा लो में जाना पसंद करते हैं। अब ये मीडियम वाले जो होते हैं ना, इसकी कहानी और बहुत हीट है। मीडियम वाले जो होते हैं ना, मीडियम में भी कई टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं, जो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे लेवल पर नहीं जाना चाहते हैं, और बहुत निचले लेवल का जो रिस्क होता है वो नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि बिल्कुल जो लो होता है उससे कुछ ऊपर उठकर रिस्क लेना चाहते हैं। और कुछ वो होते हैं जो पूरा हाई के करीब जाना चाहते हैं, मतलब हाई तो नहीं होते लेकिन हाई के करीब रहते हैं, कहलाते वो मीडियम ही हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप बहुत ही हाई लेवल का रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि खूब रिस्क लिया जाए और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आपको कैसे एलोकेशन करना है? देखिए, आपको जो एलोकेशन करना है वो इस तरीके से करना है। स्मॉल कैप में आप 50% पैसे डाल सकते हैं। आप बिल्कुल ही याद रखें यहाँ पर दो बात जो मैं कह रहा हूँ, बहुत ही हाई लेवल के आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, और दूसरी बात
बहुत ही लंबे समय, जैसे 10 साल 12 साल 15 साल के लिए निवेश करने हैं, तो आप 50% कहाँ पर स्मॉल कैप में डाल सकते हैं और 30% 30% आप मिड कैप में और 10% आप लार्ज कैप में डाल सकते हैं और 10% आप फ्लैक्सी कैप मल्टी कैप इस तरह के फंड में डाल सकते हैं। डेट में आपका कोई निवेश नहीं रहेगा, या आप अगर चाहें तो कुछ देर के लिए यहाँ पर लार्ज कैप को छोड़ भी सकते हैं। बाकी लार्ज कैप वाला जो 10% बच रहा है उसको आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, यानी आप ये देखें कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से आप मीड या स्मॉल में आप उसको या फिर मल्टी कैप फ्लैक्सी कैप वगैरह में डाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये मैं मानकर चलूँ कि आप बिल्कुल ही लो रिस्क लेकर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब आप रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं बट आप लंबे समय के लिए निवेश ज़रूर करना चाहते हैं, तो आपको स्मॉल कैप में 20% यानी 20%, मिड कैप में भी 20% आपको डालना चाहिए, लार्ज कैप में आपको 30% डालना चाहिए और उसके बाद मल्टी कैप फ्लैक्सी कैप दोनों जगह पर 10-10% करके आपको डालना चाहिए। उसके बाद 10% जो बच जाते हैं ना वो आपको डेट फंड में भी डालना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि भाई डेट फंड में क्यों, डेट फंड में निवेश करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप बहुत ही लो लेवल के और बहुत ही लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स में से हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस हिसाब किताब से आप अपनी पोर्टफोलियो का एलोकेशन कर सकते हैं। अब अगर उस इन्वेस्टर्स की बात करें जो मिड टाइप के रिस्क ले सकते हैं, मिडिल टाइप के रिस्क ले सकते हैं, जो बीच वाले हैं, तो बीच वाले में भी कई टाइप होते हैं, समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एक वो होते हैं जो बहुत ही लो रिस्क लेना पसंद तो नहीं करते, लो से कुछ ऊपर उठकर रिस्क लेना पसंद करते हैं, और कुछ वो होते हैं जो बहुत ही हाई पर भी जाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन हाई के आसपास रहना पसंद करते हैं। तो आप देखें कि किस हिसाब किताब के इन्वेस्टर्स हैं। और मैंने एलोकेशन के जो दो तरीके बताए हैं, एक वो तरीका जो हाई लेवल के इन्वेस्टर्स के लिए और दूसरा वो जो लो लेवल के इन्वेस्टर्स के लिए है, मतलब लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए हैं, उन दोनों के बीच में आप मैनेज कर सकते हैं। अब ये मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो ये मैनेजमेंट आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए किया जाएगा और आपको ये देखना चाहिए कि भाई मैं कितना ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। तो यहाँ तक कि अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि कौन सा फंड होना चाहिए। देखिए उन्होंने कहा है अजीत कुमार जी ने कि फंड भी बताइए, तो ये मैं वही फंड बता रहा हूँ जो मुझे पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आए। तो इस पे आप रिसर्च करिए, देखिए अगर आपको अच्छे लगते जो फंड अच्छे लगते उसमें निवेश करिए, जो नहीं अच्छे लगते उसको छोड़ दीजिए, बट मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। लार्ज कैप कैटेगरी में अगर बात की जाए तो ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड रहेगा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, 5 स्टार की रेटिंग है और 15-16% का ओवरऑल रिटर्न्स भी दिया है, 10 साल पुराना फंड है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है लार्ज कैप कैटेगरी में। उसके बाद फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड रहेगा, मिड कैप में रहेगा मोतीलाल ओसवाल या फिर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड रहेगा, स्मॉल कैप कैटेगरी में कॉन्ट स्मॉल कैप या फिर BOI स्मॉल कैप रहेगा। ये सारे फंड ऐसे हैं जो फंड मुझे पसंद है अलग अलग कैटेगरी में। अब आप देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, या नहीं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अब जो मैंने पोर्टफोलियो बनाने का जो तरीका बताया है परसेंटेज वाइज एलोकेशन का, उसमें भी आप अपने रिस्क के अनुसार कुछ चेंजेस 19-19 आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये तय नहीं है कि वही चीज़ एग्जैक्ट वही चीज़ आपको करना है जो कि मैंने बताया है, आप अपने रिस्क आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक बात और भी खास है कि वहाँ पर मैंने बहुत ही लंबे समय के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा है, तो अगर आप टाइमिंग में भी फ़र्क आ जाता है, मतलब आप बहुत ही लंबे समय के लिए 10 साल 15 साल 12 साल के लिए नहीं, आप 5 साल के लिए 6 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।